नमस्कार, मैं हूं सोनिया जायसवाल। आप देख रहे हैं चम न्यूज। वक्त हो गया है खबरों का। पे एंड पार्क का मुद्दा अब दिन ब दिन व्यापारियों के लिए जी का जंजाल बनते जा रहा है। महासभा में प्रस्ताव पास होने के बाद पे एंड पार्क के मुद्दों पर व्यापारियों की बैठक का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में व्यापारी इस प्रस्ताव को खारिज करने के लिए अब नेताओं के पास जाकर बैठक कर रहे हैं, जिसमें उन्हें आश्वासन ही मिल रहा है। याद हो कि चुनाव करीब आ चुका है और अब शहर के नेता मुद्दों पर पुड़िया सेक रहे हैं, तो वही अब व्यापारी अपने परेशानियों को लेकर नेताओं के दरवाजे पर हैं। हाल ही में एक व्यापारी के बैठक संपन्न हुई है, जिसमें शहर के व्यापारी गण आमदार कुमार भाजपा के पदाधिकारियों से मिले और इस प्रस्ताव को खारिज करने के लिए मदद भी मांगी। वहीं अब यहाँ के लोग ये भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या ये प्रस्ताव आखिर लाया क्यों गया है, और साथ ही में स्कूल के मुद्दों पर सभी नगर सेवक आखिर चुप क्यों हैं। इसी मौके पर एचएम न्यूज से हमारे संवाददाता कुणाल कपूर ने व्यापारी मंडल से वार्तालाप की, जहाँ व्यापारी मंडल के अध्यक्ष और फेडरेशन के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं इस बैठक और पे एंड पार्क के मुद्दों पर उनकी क्या राय है। सभा में पेन पार्क का मुद्दा जब प्रस्ताव जब पास हुआ, तो उसके बाद जो है शहर में व्यापारियों का लगातार इसमें जो है पुरजोर विरोध किया जा रहा है। ऐसे में जो है बैठकों का दौर व्यापारियों के साथ शुरू हो चुका है। विभिन्न जो है नेतागण अब व्यापारियों के साथ बैठने लगे हैं, व्यापारियों से बातचीत कर रहे हैं और उसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये वही नेता है जिन्होंने जो है प्रस्ताव महासभा में पास किया था, और अब जो है व्यापारियों को ये रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ व्यापारी मंडल मौजूद है, विभिन्न व्यापारी मंडल के अध्यक्ष यहाँ पर है, सदस्य यहाँ पर है, फेडरेशन यहाँ पर है। जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की बैठक है और किस तरीके की बैठकों का दौर हो रहा है। पहले सिंधुत सर्कल में जो है बैठक हुई, अब जो है आमदार कार्यालय में बैठक हुई, क्या बातों पे चर्चा हुई, किस तरीके का जो है सॉल्यूशन सामने नजर आया है? दो दिन पहले जो हमारी सिंधुत सर्कल में मीटिंग हुई थी, वो हुई थी कि उल्लासनगर में जो नया मुद्दा, नया तकलीफ व्यापारियों को आने वाला है पे एंड पार्क का, उसके कारण हुई थी। वहां पर लगभग सभी व्यापारी संस्थाएं एकत्रित हुई थी और सभी व्यापारी संस्थाओं को एकजुट करके आल व्यापारी एकता मंच बनाया गया। उसमें यह प्रस्ताव बनाया गया, लाया गया कि हम सभी कभी भी ये जो पे एंड पार्क का मुद्दा है वो कभी भी पास होने नहीं देंगे। हम सभी पॉलिटिकल पार्टियों को अप्रोच करेंगे कि ये मुद्दे को निकाल कर फेंका जाए और व्यापारियों के ऊपर जो ये भारी तकलीफ आने वाली है वो दूर की जाए। जहाँ पर हमने ये मुद्दा उठाया और कहा कि हम सभी कारपोरेटर्स को एक रिक्वेस्ट लेटर देंगे कि आप आकर के सिंधुयुद्ध सर्किल में सोमवार के दिन 12 से 3 बजे तक आकर के अपना सिग्नेचर दे करके हमें समर्थन कीजिए। हम ये सोचेंगे कि जो हमारे पास आकर के हमें सही देता है, हम समझेंगे कि वो व्यापारियों के समर्थन में है, व्यापारियों के पक्ष में है, और जो नहीं आता है तो वो समझा जाएगा कि वो व्यापारियों के पक्ष में नहीं है और वो पे एंड पार्क के पक्ष में है। आज कुमार आलानी जी जो हमारे एमएलए हैं, उनके यहाँ मीटिंग बुलाई गई, जहाँ पर भी लगभग सभी व्यापारी मंच एकत्रित हुए। वहाँ पर भी यही मुद्दा उठाया गया। इसके साथ में दो चार मुद्दे और भी उठाए गए, जैसे कि 40 रुपया लेकर के जो नो हाकर जोन, हाकर जोन में हाकर्स को खड़ा किया जाता है, हमारे नो हाकर जोन में भी जो हाकर्स आके खड़े रहते हैं वो मुद्दा, फुटपाथ पे जो हाकर्स बैठते हैं उनका मुद्दा, स्कूल का मुद्दा, ऐसे पे इस प्रकार से बहुत से मुद्दे उठाए गए। परंतु जो मेन मुद्दा था वो था पे एंड पार्क का, जिसमें हमें बीजेपी के लगभग 8 से 10 कारपोरेटर यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हमारे सभी कारपोरेटर आकर के वहाँ पर सिग्नेचर देंगे। हम व्यापारियों के पक्ष में हैं, हम व्यापारियों को पूर्ण सहमत समर्थन देंगे और जो ये पे एंड पार्क का मुद्दा है वो किसी भी हालत में पास होने नहीं देंगे। ये हम एबॉलिश करके रहेंगे। ये हमें, हमारे व्यापारियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने खुला समर्थन दिया है आज और कहा है कि पे एंड पार्क का मुद्दा जो है वो हम निकाल देंगे।
व्यापारी हैं आप, शुरुआत से यदि बात करें तो शहर व्यापारिक शहर है, कई राजनीतिक दल है, तो इस प्रस्ताव को जब बहुमत से पास किया गया, जिस तरीके से अब जो बैठकों का दौर चल रहा है, तो वही नगर सेवक जो है अब कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ है, लेकिन उन्होंने वहां पे पास किया, तो कहीं ना कहीं ये एकता जो कि आज व्यापारियों में दिखाई दे रही है, ये पहले क्यों नजर नहीं आई? क्या इसमें राजनीति के वजह से डिवाइड एंड रूल्स हो रहा था, या फिर अब जो है चुनाव पास आ रहा है तो एक मुद्दे को लाया गया है, व्यापारियों को जो है पहले अलग किया गया, अब साथ मिला के जो है चुनाव का एजेंडा बनाया जा रहा है, आपको ये लगता है? मैं समझता हूं इस बात पर मैं अपना पूरा श्रेय अपने व्यापारी संगठनों को देना चाहूंगा जो जागृत हुए हैं। इसके पहले हम कभी जागृत नहीं थे, इसके पहले हम कभी यूनाइट नहीं हुए थे, इसके पहले हम कभी एक मंच पर नहीं आए थे, जिसके कारण व्यापारियों को इस प्रकार से ट्रीट किया जाता था जैसे कुछ ये है या नहीं है, एक ही बात करके चलाई जाती थी। अब जब हम एकत्रित हुए हैं, संगठन में आए हैं, तो सभी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो जागृत हुई हैं, वो व्यापारियों को बुला रही हैं, उनसे मीटिंग कर रही हैं। अभी आज जैसे एमएलए साहब के ऑफिस में जो हमारी मीटिंग हुई, वहां पर बीजेपी पक्ष ने क्लियर किया कि ये मुद्दा हमने शुरू से आपोस किया है, परंतु हमारी नहीं सुनी गई। पहले जनरल बॉडी में हमने आपोस किया था, हमने चिल्लाया था, जिसके कारण ये डिफर हुआ और उसके बाद में दूसरी बार ऑनलाइन ये मीटिंग करके बुला करके ऑनलाइन पे हमें सुना नहीं गया और पास किया गया। आज भी बीजेपी वालों ने जो बताया कि हम व्यापारियों के साथ में हैं, और मैं समझता हूँ कि आगे भी अगर इनको शहर में कुछ भी सपोर्ट चाहिए तो व्यापारियों को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि व्यापारी है जो राजनीति को ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं और व्यापारी हैं जो राजनीति को कहीं पर भी खलास कर सकते हैं। आपने बहुत सही कहा, लेकिन एक राजनीति जो है वो सभी को डिवाइड करती है और उसके बाद जो है अपना मतलब निकालती है। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर ये प्रस्ताव है या फिर इसके ऊपर किस तरीके से चर्चा होती तो व्यापारियों को आगे क्या रुख रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अभी जो आपने कहा बहुत अच्छी बात कही कि जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल करती है, तो मैं अपने व्यापारी भाइयों को हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि जो आज यूनिटी दिखाई है वो हमेशा यूनिटी दिखा के रहेंगे। तो मैं समझता हूं कोई भी ऐसा कायदा कॉरपोरेशन में, ऐसा मुद्दा कॉरपोरेशन में या असेंबली में पास नहीं होगा जो व्यापारियों के अगेंस्ट जावे। सर जी, आज हम जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर एक मंच पर एकत्रित हुए हैं, अगर ये मुद्दा कहीं लंबा टाइम या नहीं होता है तो हम लोग इसका रोड पे उतरकर विरोध करेंगे, कहीं शहर बंद करना पड़ा तो शहर बंद करेंगे, लेकिन इस मुद्दे को हम कहीं ना कहीं लगाम देंगे। अगर पता लगा भी तो हम कॉर्पोरेशन के बाहर भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, लेकिन इस विषय को हम किसी भी तौर पे खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो तकलीफ है शहर के व्यापारियों के लिए है, जो 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 हम नहीं सहन कर सकेंगे। और जो कॉर्पोरेटर्स या जो हमें साथ नहीं दे रहे हैं, तो हमें ऐसे लगेगा कि शहर में ये हम लोगों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए पीछे हट रहे हैं और ये इस मुद्दे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं सभी कॉर्पोरेटर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके इस मुद्दे पे आप सभी जने मेहरबानी करके इसको सपोर्ट करें और हमारे व्यापारियों से ये जो टैक्स है इसको समाप्त करें। आपने खेल देखा होगा, जब खेल होता है तो टॉस होता है, टॉस करने वाला कोई और होता है, लेकिन खेल दो लोगों के बीच में होता है, तो ये मुद्दा इसी तरीके से नजर आ रहा है। चुनाव करीब है, मुद्दे को जो है सहमति के साथ पास कर दिया गया, व्यापारियों की लगातार बैठक हो रही, देखना यह है कि ये मुद्दा आगे चल के राजनीतिक मुद्दा बनता है, चुनाव का एजेंडा बनता है, या वाकई में ही कोई महासभा होगी या फिर ऐसा कोई प्रस्ताव प्रशासन के से सामने आता है कि व्यापारियों को राहत मिल पाएगी, और आगे चल के किस तरीके का नतीजा आएगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जिस प्रकार से पूरे शहर भर में जो कि विरोध किया जा रहा है पेन पार्किंग का, तो गारमेंट्स एंड एसोसिएशन जो कि बनाई उल्लासा के कैंप क्रमांक 5 के एसोसिएशन व्यापारी एसोसिएशन है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं और किस तरीके की मांगे हैं, किस तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि शहर भर के व्यापारी जो अब एकजुट हैं और सारी संस्थाएं एक साथ आ चुकी है। कुणाल जी, मतलब आपसे बात करते हुए काफी दुख हो रहा है कि आज इस शहर में क्या हो रहा है। आज पूरे शहरवासी समझ ही नहीं पा रहे कि ये किस तरीके कानून हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। अच्छा, आज आप देखेंगे तो ऐसे माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि ये व्यापारी के ऊपर ये एक नया कानून लाया गया है, लेकिन ये व्यापारी के ऊपर नहीं,
ये पूरे शहर के लोगों के ऊपर ये अंधा कानून बोलिए थोपा जा रहा है। आज जो दुकानदार अपनी गाड़ी दुकान के बाहर खड़ा करेगा उसकी पे चार्ज भरेगा, तो कहीं ना कहीं जो शहरवासी दुकान से सामान लेने को जाते हैं उनके भी तो गाड़ियों पे ही जाते हैं, फिर वो भी तो चार्ज भरेंगे। तो यह जो कानून है पूरे शहर के ऊपर है, न कि सिर्फ दुकानदारों के ऊपर। तो मैं ये सभी पार्टियों से विनती करूंगा कि आप कृपया इस पे एंड पार्क के मुद्दे के ऊपर थोड़ा सीरियसली सोचिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, जिसने भी समर्थन किया है या नहीं किया है, हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे के ऊपर सभी पार्टियों को सोचना चाहिए कि ये मुद्दा हमारे पूरे शहर के लिए घातक है और ये मुद्दा हमारे शहर के लोगों के लिए रहने लायक नहीं बचेगा, पूरा का पूरा व्यापार भी खत्म हो जाएगा और जबकि पूरे शहरवासी परेशान हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आज इन लोगों ने जो ये पेन पार्क का मुद्दा पूरे शहर के लिए बनाया है, तो क्या ट्रैफिक विभाग और जो हमारे यूएमसी के आयुक्त है कुणाल जी, ये जो पेन पार्क का जो मुद्दा जो लाया गया है इसके नियम क्या है, नियमावली क्या है, यह अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। आज अगर समझ लो कोई अगर गाड़ी रास्ते पे खड़ा कर देता है, बाइक होए, टू व्हीलर होए, फोर व्हीलर होए, उसकी चार्ज भर के 5 घंटा वो खड़ा कर सकता है, तो क्या ट्रैफिक विभाग उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाएगा? क्या ट्रैफिक विभाग उसके पूरी उसको छूट दे देगा कि हाँ आप 1 महीना या एक दिन आप खड़ा करो, हम लोग पेनल्टी नहीं लेंगे? आज एक ही चीज के लिए यूएमसी भी पेनल्टी करेगी और ट्रैफिक विभाग भी पेनल्टी करेगी। ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए और यह सब चीजें लागू करने से पहले सभी शहरवासियों के साथ डिबेट करना चाहिए, इसका लाइव जीबी में मीटिंग होना चाहिए ताकि सभी शहरवासियों को मालूम पड़े कि आखिर यह कानून किस तरीके का है। मैं तो यूएमसी के ऐप से एक विनती करूंगा कि अगर सचमुच शहर में ट्रैफिक की समस्या को सुधारना है तो सबसे पहले ट्रैफिक विभाग को चुस्त और दुरुस्त करना चाहिए, उनके साथ मीटिंग लाना चाहिए, उसमें जो लूप होल्स है कि किस तरीके की ट्रैफिक की समस्या हल होगी उसको दूर किया जाना चाहिए, न कि ये इस तरीके का कानून शहरवासियों के ऊपर लाद के उनके ऊपर अन्याय किया जाए। पेन पार्क की जो आज जो इन लोगों ने जो कानून में पेन पार्क लाया है उसमें जो पेनल्टी की जो चार्जेस है और जो ट्रैफिक नियमावली की जो दंडात्मक कार्रवाई है वो किस तरीके की होगी वो भी इनको क्लियर करना चाहिए और उसके ऊपर विचार करना चाहिए, न कि इस तरीके का कानून सिर्फ बना के अनाउंस कर देना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की खबर। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए एचएम न्यूज़ के साथ।